नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में एक बार फिर से वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस के बारे में। यह एक बैक्टीरिया आधारित फफूनी नाशक के साथ साथ जीवाणु नाशक भी है, जो फंगस जनित और जीवाणु जनित बीमारियों को जैविक तरीके से नियंत्रित करता है। तो हम जानेंगे कि यह स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस क्या है, कैसे कार्य करता है और किस प्रकार से इसे प्रयोग में लेना होता है। तो आखिर तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस यह बैक्टीरिया पर आधारित जैविक कीटनाशक के साथ साथ जैविक जीवाणु नाशक भी है, यानी यह दोनों साइड से कार्य करेगा। फंगस जनित बीमारियों के साथ साथ जीवाणु जनित बीमारियों को भी खत्म करता है। यह स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस विभिन्न फलों, फसलों, सब्जियों में जड़ सड़न, तना सड़न, उकठा रोग, डंपिंग ऑफ, जीवाणु झुलसा, लाल सड़न, जीवाणु धड़ी जैसी फंगस जनित रोग या जीवाणु जनित रोगों को बहुत ही असरकारक तरीके से नियंत्रित कर सकता है। यह गन्ना की फसल में जड़ सड़न और लाल सड़न बीमारियों को भी नियंत्रित कर सकता है। तो अब देखते हैं कि स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस का प्रयोग कैसे और कितनी मात्रा में करना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भूमि शोधन के लिए। तो स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस की 1 किलोग्राम मात्रा को 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में अच्छे से मिलाकर छायादार स्थान पर 5 से 7 दिनों के लिए रखें और बुवाई से पहले खेत जुताई के समय इस मिश्रण को 1 हेक्टेयर खेत में फैला दें। सीड ट्रीटमेंट यानी बीज शोधन के लिए स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस की 10 ग्राम मात्रा 20 ml जितने पानी में मिलाकर स्लरी टाइप का मिश्रण बना लें। बाद में उस स्लरी को 1 किलोग्राम बीजों के साथ मिलाकर छाया में सुखा लें और बाद में बीजों की बुवाई कर दें। रीप्लांट की जाने वाली फसलों की पौध उपचार के लिए स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस की 10 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर उस घोल में पौधों की जड़ों को 15 से 20 मिनट के लिए डुबोकर उपचारित करें। और नर्सरी में स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस की 50 ग्राम मात्रा 5 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में इस घोल का छिड़काव करें, जिससे नर्सरी टाइम से ही पौधों को भूमि जनित रोगों से बचा सकते हैं। इसके अलावा गेहूं की फसल में कंदुआ रोग को नियंत्रित करने के लिए स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस 1.75% WP की 5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करें। धान की फसल में बैक्टीरियल ब्लाइट की रोकथाम के लिए स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस 1.5% WP की 5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करें। और धान में ब्लास्ट रोग को नियंत्रित करने के लिए स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस 0.5% WP की 1 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के दर से स्प्रे करें। और साथ साथ खास ध्यान रखिए कि स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस के प्रयोग के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद में रासायनिक फंगिसाइड का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। यह स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस पाउडर और लिक्विड दोनों फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है और इसकी सेल्फ लाइफ 1 साल की होती है। तो यही थी स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस के बारे में जानकारी। जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय किसान, जय हिंद।